हे गाइस, तो आज की वीडियो है, मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया और मैं बीटेक कर रहा हूँ सीएस से, यानी कि कंप्यूटर साइंस से। तो मैंने ऐसा क्यों किया और मैंने ऐसा कैसे किया, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को भी गाइड करने की, अगर आप भी ऐसा करने में इंटरेस्टेड हो और आप क्यों कर सकते हो ऐसा, मतलब कि ऐसा करना जरूरी भी है क्या, क्यों क्या? मैंने डिप्लोमा किया था मैकेनिकल से और मुझे बहुत पसंद आया मैकेनिकल। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि बेकार था मैकेनिकल, में पढ़ाई बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा लगा मुझे, सब सेटल था मेरा। बट जब जॉब की बारी आई ना, तो ऐसा जॉब मिल रहा था ना कि मैं क्या ही आपको बोलूँ, मशीन ऑपरेटर की जॉब मिल रही थी, यानी कि आपको मशीन चलाना पड़ेगा। और मैंने प्रॉपर मशीन डिज़ाइन के ऊपर पढ़ाई की थी, मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैकेनिकल में जिसके बारे में मैंने पढ़ाई थी। तो मेरा पूरा फोकस था कि मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में घुसना है, R&D में घुसना है या फिर डिज़ाइन में घुसना है मुझे, और मुझे वही सब करना है। और यहाँ पे मशीन ऑपरेटर का जॉब मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 1 ईयर वो भी मैं कर लूँगा किसी तरह, और फिर मैं इंटर कर लूँगा डिज़ाइन में या फिर R&D में। फिर पता चला कि नहीं, 1 साल में कुछ नहीं होता, आपको 2 साल देने होंगे। फिर पता चला नहीं, 2 साल में भी कुछ नहीं होता, 3 साल देने होंगे। और फिर पता चला कि 3 साल में भी कुछ नहीं होगा, बहुत कंपनी में उससे भी ज़्यादा टाइम देना होगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको हो सका तो पहले मिल जाएगा। तो मैंने सोचा मतलब मशीन ऑपरेशन में मैं ऐसा क्या अच्छा करूंगा, मैं ज़्यादा मशीन चला के दिखाऊंगा, ये अच्छा परफॉर्मेंस होगा, क्या क्या करना क्या है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने सोचा कि चलो मशीन ही चलाना है तो अच्छे कंपनी में मशीन चला के थोड़ा अच्छा करियर बनाया जाए। तो मैंने अच्छे कंपनीज को अप्रोच किया, बाय मेल करना, बाय जहाँ भी जैसे हो पाता था मैंने, मैं किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने 100+ कंपनीज में अप्लाई किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। जहाँ जॉब मिल रही थी वो खराब कंपनियाँ थी, मुझे यह जाकि आपको अगर पता हो, यह जाकि बहुत ही बड़ी कंपनी है, मुझे वहाँ भी जॉब मिल रही थी, बट फील नहीं आया, बहुत ही बेकार था कंडीशंस। तो इस कारण से मैंने मैकेनिकल फील्ड छोड़ा। पढ़ाई से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम थी जॉब से, जॉब जो मिल रहा था वो सही नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ तो मेरा कुछ होने जाने वाला है नहीं, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग होती है, IT सेक्टर में एक जॉब होती है डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे मार्केटिंग को डिजिटल किया जाता है, मैंने वहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग लगाया। इसी तरह से मेरे YouTube पे अच्छा प्रेजेंस है, मेरे इंस्टा पे अच्छा प्रेजेंस है, तो मुझे नॉलेज थी सोशल मीडिया की अच्छी खासी, और मैं कर सकता था मुझे लगा। तो मैंने थोड़े कोर्सेज किए, थोड़ा पढ़ा वढ़ा 1 month किया मैंने किसी तरह, और फिर मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट किया और मेरा इंटरव्यू में हो भी गया। आप मुझे डिटेल वीडियो देख सकते हो उसके ऊपर, कार्ड्स डिस्क्रिप्शन चेक करना, मैंने डिटेल वीडियो बनाया कि मैंने कैसे क्रैक किया। तो मेरा जॉब लग गया, मतलब कि मेरा हो गया। और मैंने जब 1 वीक काम किया तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, मतलब इतना ज़्यादा पसंद आया ये सब चीज़ कि मैं बोला अरे भाई मैं सेटल हूँ यहाँ, अब मैं कहीं नहीं जाना। तो फिर मैंने कंटिन्यू कर लिया डिजिटल मार्केटिंग को, और फिर जब डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा हूँ तो फिर मैकेनिकल से बीटेक करने का कोई सीन बनता ही नहीं है, तो मैंने फिर CS से बीटेक करने का भी डिसाइड कर लिया। फिर मैंने अपने बॉस, जिनका नाम रौनित सर है, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है, देवता मानुष, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया कि सर ऐसा ऐसा सीन है तो मैं क्या करूँ, आप बोलो। CS तो मैं बीटेक सोच रहा हूँ करने का, तो उसमें क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ जिससे मुझे प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस दिए कि ऐसे ऐसे तुम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम अभी जिस फील्ड में हो और यहाँ से ऐसे कर सकते हो, मतलब उन्होंने समझाया मुझे अच्छे से। तो इस हिसाब से मैं अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब कि CS से मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ और मैं बीटेक कर रहा हूँ मध्य प्रदेश। अब आप सोचोगे कि मैंने मैकेनिकल से यार किया डिप्लोमा और मुझे कोडिंग वोडिंग आती है नहीं, और मैं कैसे अब CS में इंटर करूँगा। तो भाई ऐसा बात सही है, कोडिंग थोड़ी हार्ड है, तो आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पे जाना, आप कोड विथ हैरी सर्च करना, कोड विथ हैरी बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, उनका आप पाइथन का कोर्स एक बार देखो, पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है कोडिंग में, आपको अगर थोड़ी बहुत समझ में आती है पाइथन, उनके 11-12 आवर्स का वीडियो है वो आप देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और आप कर लोगे, अगर मुझे उम्मीद है कि आप भी कर लोगे, मैंने कर लिया यार तो आप भी कर लोगे, तो वो अगर आप कर लोगे तो फिर आपको उस आइडिया मिल जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कर लूँगा तो सही है, कंटिन्यू करना और मैकेनिकल फील्ड से निकल लेना भाई, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप निकल लो। मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ निकलने का, मैं आपको बता दूँ, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं लिंक्डइन पे बहुत कनेक्शंस बना रहा था उस टाइम मैकेनिकल्स के, तो मेरे पास 2-3 इंजीनियर्स के कनेक्शंस हैं जो कि अच्छे पोस्ट में हैं अभी, उनमें से एक इंजीनियर ने 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस उसे डिप्लोमा का, और वो मुझसे कंसल्ट करा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में मैं कैसे इंटर कर सकता हूँ। उसके अभी सैलरी 25-30,000 रुपीज़ है, बट वो अभी इंटर्नशिप करने को भी रेडी, 1,000-8,000-10,000 रुपीज़ का इंटर्नशिप करने को भी रेडी है। तो ये हाल है, मेरा जो थिंकिंग कहता है कि पैसा आप कमा लोगे, पैसा हर जगह मिल जाता है यार, कुछ भी करोगे ना पैसा कमा ही लोगे, बट मन की शांति भी बहुत ज़रूरी है, वो नहीं मिलता सब जगह, वो आपको चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप 8 आवर्स कहाँ अपना दे रहे हो लाइफ का, वो आपको देखना पड़ेगा, आप वहाँ पर खुश भी हो कि नहीं, कि आप मशीन चला रहे हो और आपको लग रहा है यस यही के लिए तो मैं बना हूँ, ऐसा अगर आप सोचते हो तो फिर क्या ही कहना। सो भाई, सो मुझे तो पसंद नहीं आया तो मैं तो खिसक लिया, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, वैसे आप भी वीडियो देख रहे हो तो आपका थोड़ा तो मूड होगा ही करने का, देखो वैसे आप जो सही लगता है करो। और आपको अगर कुछ इसमें सजेशंस चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए कि लाइक मैंने कैसे किया, आप कैसे कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स आए क्या नहीं हुए, तो
इंस्टा है मेरा ये हैंडल, आप आओ वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। आपको अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा तो मेरी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कम्युनिटी का हेल्प करना ही एंड ऑफ द डे इज़ द रियल थिंग। क्या कम्युनिटी को अगर आप नहीं हेल्प दोगे तो कहाँ से आपको मिलेगा? मुझे भी तो यूट्यूब से ही लोगों ने बता बता के मैं यहाँ तक पहुँचा, तो मैं भी अब आप लोगों को हेल्प करूंगा तो ही ना आप लोग भी आगे बढ़ोगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और भी ऐसे वीडियो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। सो शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, पीस।